है। मुझे हमेशा लगता है कि क्लासरूम के अंदर इसको बहुत एक तरीके से मुश्किल समझा जाता है पढ़ाते वक्त, और बहुत टेक्निकल भी माना जाता है, जबकि कुछ ऐसा है जिसको हम डेली अपने लाइफ में देखते हैं, इसके आसपास की घटनाएं डेली घटती रहती। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को कहानी इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो उस वक्त से ही इस बात को लेकर के डिबेट हो रही थी कि जब हम लोग आजाद हो जाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर होगा हमारे कंट्री का। तो पिछले एपिसोड्स में जब हम पावर शेयरिंग की बात कर रहे थे, तो यह एक तरीका ही है पावर को शेयर करने के। इसको डिफाइन करने के लिए कहा जाता है कि सत्ता का दो या दो से अधिक केंद्र जहां पे भी होगा तो वो फेडरल स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम हिंदी में संघवाद कहते हैं। तो उस वक्त जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग उस लड़ाई में शामिल हो रहे थे, तो एक जो जनमत था नेताओं के बीच में, जो सहमति थी, वह यही थी कि जब हम आजाद होंगे तो एक फेडरल स्ट्रक्चर तो हम अपनाएंगे ही, और उसमें ज्यादा से ज्यादा ताकत हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों के पास हो जो मतलब समाज के अलग अलग समूहों के पास, या यहाँ हम ऐसे अगर कहें तो राज्यों के पास। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर में जो हमारा स्टेट होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन 1947 में जो स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन की जो त्रासदी हुई, उसने हमारे इस कलेक्टिव समझ को, जो 20-30 साल में डेवलप हुआ था, उसको बहुत गहराई से, एक तरीके से कह सकते हैं कि झकझोर कर रख दिया, और इसको ये एक तरीके से बैक सीट ले लेता है। आप में से जो सोशल साइंस के टीचर हैं उनके लिए तो होगा ही, मतलब किसी के लिए भी दिलचस्प हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट है उसको देखना। तो यूट्यूब पे संविधान नाम से वो पूरा सीरीज अवेलेबल है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी बना हुआ है, श्याम बेनेगल ने बनाया हुआ है उसे, तो उसको कभी आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन सभी मुद्दों पे जो डिबेट है उसको दिखाया गया है। तो वहाँ यह तय हुआ विभाजन के बाद कि नहीं, देश की जो हालात है उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में ज्यादा पावर दे सकते हैं। और इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध भी उसी वक्त 1945 में खत्म हुआ था दुनिया भर में, तो एक इंटरनेशनल लेवल पे भी इस तरीके के हालात बन रहे थे कि जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नेशन, एक मजबूत राष्ट्र, जहाँ पे सेंटर ज्यादा मजबूत हो, इसको लेकर के अचानक से जनमत बनने लगा था। और ये जो पूरा आइडिया था कि हम एक वीक सेंटर रखेंगे और स्ट्रॉन्ग स्टेट्स रखेंगे, या स्ट्रॉन्ग प्रोविंसेस रखेंगे, राज्य जिसे हम कह रहे हैं, ये कमजोर पड़ गया उस वक्त। जबकि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो हमारे नेताओं की समझ थी वो थी कि हम राज्यों को ज्यादा ताकत देंगे, ताकि राज्यों को ताकत देने का यहाँ पे मतलब हुआ ताकि रीजनल एस्पिरेशंस को, राज्य बेसिकली अलग अलग भाषाई समूह, अलग अलग कल्चरल ग्रुप, इन सब को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको हम सत्ता में ज्यादा साझेदारी दे पाएंगे, उनको हम ज्यादा एक्सप्रेस होने का मौका दे पाएंगे। तो ये जो एक समझ थी वो 1947 में विभाजन के कारण बदल गई, और 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके कारण बदल गई, और अंततः जो हमारा संविधान आता है वो फेडरल बिल्कुल है। हमारे यहाँ दो और दो से अधिक सत्ता हम के केंद्र हैं, अगर हम उसके डेफिनेशंस पे जाते हैं तो। लेकिन इस फेडरल स्ट्रक्चर में जो ताकत है वो ज्यादा से ज्यादा सेंटर को दे दिया गया है, और एक तरीके से बहुत कम जो ताकत है वो राज्यों के पास छोड़ा गया है। तो थोड़ा सा इसको मतलब हम और समझते हैं कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें व्यवस्था की गई कि ठीक है ऐसा कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार जो बाद में फिर लड़ाइयां हुई, 1962 में चाइना वॉर हुआ था, उसके बाद जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई हुई जिसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये सब भी ऐसी वजहें होती थी जिसमें इस बात को लेकर के माना जाता था कि हमारा केंद्र काफी मजबूत होना चाहिए। और ये एक प्रेशर लगभग हमेशा से रहा, और जैसे आलोक अपने पिछले वाले उसमें बता रहे थे कि 1980 के बाद से, खास करके 1990 से लेकर के, और मान के चलिए 2014 तक का जो ये करीब 24-25 सालों का दौर रहा,
जिसमें गठबंधन की काफी सारी सरकारें बनी। तो उस वक्त ये एक और दौर था जब जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर था वो एक अलग तरीके से, जहां पे राज्य ज्यादा पावरफुल हो गए थे। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर दिया गया था, लेकिन एक अलग तरीके से, चूंकि अलग अलग पार्टियों से मिल करके सरकारें बनी थी तो उनके पास ताकत थी और वो अपने हिसाब से अपने अपने रीजनल एस्पिरेशंस को भी एक्सप्रेस कर पाते थे। तो ये एक मतलब मोटा मोटी कहानी अभी तक की है। और ये जो मैं कहता हूँ कि हमेशा आप न्यूज में देखते होंगे, और खास करके ऑलमोस्ट मैं मानता हूं कि एवरी अल्टरनेट डे भारत में जो फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर के जो एक संघर्ष है वो बना हुआ रहता है। जैसे आप केंद्र सरकार और कभी राज्यों के बीच में जो खींचातानी की बात सुनते हैं, कभी दिल्ली के साथ, वो तो अक्सर न्यूज में बना हुआ रहता है, बंगाल के साथ, महाराष्ट्र के साथ, और वो अभी का नहीं है। जब भी दो अलग अलग दलों की सरकारें होती है तो इस तरीके का अक्सर देखा जाता है, एक खींचातानी बनी हुई रहती है। तो ये मामला सिर्फ सरकारों का ही नहीं है, ये रीजनल एस्पिरेशंस का भी है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि फेडरल स्ट्रक्चर हमारे देश में कैसे काम करता है, इसको डे टू डे करंट अफेयर्स में, सरकार की नीतियों में और तमाम तरीकों से देखा जा सकता है। और हम उस पे एक इसका आउटलाइन, चूंकि मतलब बाद में भी जब हम इसके रिकॉर्डिंग्स को शेयर करते हैं तो हमारे कई सारे टीचर साथी भी इसको देखते हैं, तो हमारे किताब में जो इसका एक और समझाने के लिए कि कैसे हमें पता चलता है कि हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, तो उसके कुछ 6-7 फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें एक तो है कि वही कि दो और दो से अधिक गवर्नमेंट है। तो हमारे यहाँ भी सेंटर, स्टेट और उसके बाद मेरे ख्याल से 1992 के बाद से जो पंचायती राज व्यवस्था है और शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की व्यवस्था है, तो इस तरीके से 3 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे हमारे यहाँ भी है। और इंटरेस्टिंग चीज है कि हर लेयर का जो गवर्नमेंट है वो एक ही ग्रुप ऑफ सिटीजन्स के ऊपर गवर्न करती है, उनका ज्यूरिडिक्शन एक ही होता है। और हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके जो रोल्स हैं वो ठीक से और अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिए गए हैं। और जो एक और बहुत अहम पहलू है इसका कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन है उसको यूनिलेटरली कोई अल्टर नहीं कर सकता है, कि चाहे स्टेट हो या सेंटर हो, तो उसका प्रॉपर मतलब एक प्रोविजन बनाया गया है कि लार्जर कंसल्टेंसी उनको करनी होती है, और तभी जाकर के जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उसको ऑल्टर किया जा सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखता है इसको एंटरप्रेट करने की जो ताकत है वो जो है हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन वो कोर्ट के पास देता है। ये नहीं कि मुझे ऐसा लगता है तो ये ऐसा होना चाहिए, तो अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ एंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, चूंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट है तो कोई उसे अपने मन से नहीं इंटरप्रेट कर सकता है, तो वो पावर कोर्ट के पास रहता है। और रेवेन्यू का भी जो सोर्स है वो सबके लिए अलग-अलग डिफाइन कर दिया गया है। और द फेडरल सिस्टम दस हैज द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, जो इसका एक मतलब फीचर के रूप में भी हम देख सकते हैं, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। एक इसका ये मकसद है कि देश के यूनिटी को प्रमोट करना और उसको सुरक्षित रखना, वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और दूसरी तरफ कि कैसे रीजनल डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जा सके। तो ये एक फीचर है। और दुनिया में अलग अलग तरीके के सिस्टम को ट्राई किया गया है। अमेरिका के बारे में हमारे यहाँ उदाहरण दिया जाता है कि वहाँ जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको कहा जाता है कमिंग टुगेदर, यानी कि पहले राज्य थे और वो उन राज्यों ने मिलकर के कहा कि चलो सेंटर बनाते हैं, तो वहां के राज्य बहुत पावरफुल हैं भारत के राज्यों के मुकाबले, इंडियन स्टेट्स के मुकाबले। भारत में फेडरल स्ट्रक्चर को कहा जाता है होल्डिंग टुगेदर, कि यहाँ पे केंद्र ने राज्यों को बनाया है, केंद्र और राज्य बना सकता है, केंद्र चाहे तो राज्यों को खत्म कर सकता है, जैसे हम जम्मू कश्मीर का मामला देख सकते हैं कि वो एक राज्य था उसको खत्म करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और ठीक इसका उल्टा अगर अमेरिका में चाहे तो जो राज्य है वो मिलकर के केंद्र को खत्म कर सकते हैं, उसको लेकर के वहां जो सिविल वॉर हुआ था वो शायद इसी को लेकर के था कि हम इसमें बिलीव नहीं करेंगे, अब्राहम लिंकन के फैसले के बाद जब उन्होंने एपेथाइड को हटाने की बात की थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसके स्ट्रक्चर्स को लेकर के काफी
एक तरीके से ट्रायल हुआ है। द इंटरेस्टिंग थिंग, जब हम कहते हैं सोशल साइंस फॉर सोशल लाइफ, फॉर ऑल ऑफ अस टू लाइक अंडरस्टैंड एंड डेलिब्रेट हियर, और डेलिब्रेट का जब मैं आज कह रहा हूँ तो हमारे ज्यादातर साथी मतलब लाइक बोल ही नहीं पाएंगे, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि लाइक व्हाट वी थिंक एज ए एजुकेटर, कि आज के 21st सेंचुरी में जब मतलब एक तरीके से देखिए कि जो लड़ाइयां होती थी, धीरे धीरे लोगों को ऐसा लगने लगा कि वो एक ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुत कुछ नहीं रखा है। बाउंड्रीज की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मार्केट्स, इंटरनेट और जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है उसने हमें ट्रूली ग्लोबल बना दिया है। एनवायरनमेंट और पेंडेमिक जैसा जो सिचुएशन है वो किसी भी कंट्री के लिए मतलब ऐसा अब नहीं बच गया है कि कोई एक कंट्री किसी से डील कर सकता है। तो ऐसे में मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में अभी भी क्या लगता है कि हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट वाला फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, या हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रीजनल डाइवर्सिटी को एक्सप्रेस होने का मौका मिले और हमें इस तरीके के फेडरलिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए? तो दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन हमारे तीन चार लोगों के पास, जिनके पास भी ये स्पीकर राइट है, अगर आप इसमें कुछ मतलब कंट्रीब्यूट करना चाहें, अपनी अपनी बात रखना चाहें। जी मोनिका मैम, गुरविंदर जी, संतोष मैम, इट्स नॉट अबाउट कि सब्जेक्ट आना जरूरी है किसी को भी, लाइक जी जी सर, जी गुरविंदर जैसे कि हमारा पहले से ही टॉपिक चलता आ रहा है, सत्ता का बंटवारा, सत्ता की साझेदारी, जी। हाँ पावर शेयरिंग, डिसेंट्रलाइजेशन, इसके लिए जो है संघवाद जो है प्रॉपर फिट बैठता है। अगर हम अपने विद्यालय में बच्चों को समझाना भी शुरू करें तो कोई भी जो डिसीजन हम क्लास में लेते हैं, कक्षा में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, वो एक तरह से टीचर द्वारा और बच्चों द्वारा लिए जाते हैं, और फिर फाइनल जो डिसीजन है वो प्रिंसिपल का ही या HOS का ही मान्य होता है। उसी प्रकार अगर हम अपना देश की बात करें तो हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, ज्योग्राफिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, जो है संस्कृति अलग जगह पे अलग तरह की है। तो जो सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो एरियाज हैं वहाँ पर जो है सेंटर को हक प्रदान किए गए हैं, राइट प्रोवाइड किए गए हैं। उसी तरह जो स्टेट वाइज उनके चाहे लैंग्वेज को लेकर हो, कल्चर को लेकर हो, तो उस तरीके से जो है कोशिश की गई है, जो भी उनके उनको अधिकार दिए गए हैं बनाने की। अगर हम बात करें, जैसे अभी आपने बात किया कि संघवाद के अंतर्गत हमारा एक सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है, और उसके बाद जो है हमारा लोकल बॉडीज, चाहे वो पंचायती राज हैं या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत, उनको हक होता है बनाने का, अधिकार होता है कि कोई भी वो लॉस बना सकते हैं या उससे रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। तो यही इस पे जो है चुनाव की प्रक्रिया भी देखी जाए, इसके साथ अगर मैच करते करते तो डिफरेंट लेवल के लिए डिफरेंट टाइप पर चुनाव होते रहते हैं, और हमारे बच्चों को ये लेवल समझ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक दूसरे को ब्लेम तो कर देती हैं कि वो इस मैटर में दूसरी सरकार को, केंद्र सरकार बनाएगी या राज्य सरकार बनाएगी, इससे रिलेटेड डिसीजन लेगी, लेकिन वो हमारे, अगर जब तक जनता को पता नहीं होता कि हाँ ये सच है, कि हाँ इस टॉपिक को लेकर यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, तो कहीं क्लैशेस हो जाते हैं या उनको समझ नहीं आता है वो, या फिर वो गलत व्यक्ति को चुन भी सकते हैं, हाँ तो वो भी जरूरी है। तो हम जैसे इसमें देखें कि हमारा जो लिस्ट है वो भी अगर हम डिवाइड किया गया, जो भी सब्जेक्ट पे सेंट्रल एंड स्टेट जो है कानून बना सकते हैं या उनके अंतर्गत आते हैं, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जैसे कि नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट लिए गए हैं, जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन। ऐसे ही स्टेट लिस्ट के अंतर्गत जो है स्टेट के अंतर्गत आने वाले, उसकी बाउंड्री के अंतर्गत आने वाले, जैसे कि हमारी एजुकेशन है, कॉमर्स, पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। और कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे जो दोनों मिलकर जिसपे बना सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है हमारे केंद्र का ही डिसीजन मान्य होगा, जैसे कि मैरिज को लेकर, अडॉप्शन को लेकर, आगे जो है सक्सेशन को लेकर। तो ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को इसका महत्व भी बताएं, क्योंकि एक सेंट्रल लेवल पर जो है सारे डिसीजन,
सत्ता का पावर शेयरिंग की जाए, सत्ता का बंटवारा किया जाए, हमारे घर के जी लेवल पर भी, स्कूल के लेवल पर भी, और ऐसे ही हमारे नेशनल लेवल पर भी। इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, टॉपिक्स पता होने चाहिए, तभी जो है वो आगे अच्छे से डिसीजंस ले पाते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने रियली बहुत इंटरेस्टिंगली इसको बताया कि कैसे संविधान में लिस्ट सिस्टम की व्यवस्था की गई है और एक तरीके से ये डिवाइड किया गया है कि किसके पास क्या राइट्स होंगे, कहाँ पे लेजिस्लेशन करने के राइट्स होंगे। दैट इज वेरी ट्रू, बट हम जो देखते हैं कि कैसे कई बार उन राइट्स को यूजर्प कर लिया जाता है, मतलब उसको एक्सीड कर जाते हैं जहां पे भी एक पावरफुल गवर्नमेंट होता है। और इसके बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते रहते हैं जहां पे एक तरीके से कंप्रोमाइज किया जाता है इस फेडरल स्ट्रक्चर को। आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक अबाउट कि अब देखिए जो अभी हमारे यहाँ सरकार है, तो एक शब्द यूज किया गया, उसको कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि हम सब एक साथ मिल करके आए और काम करें। जबकि इस बीच जो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं वो एकदम से यूनिलेटरल है, उसमें फेडरलिज्म जैसा कोई कोई मतलब उसके ऐसे तत्व नजर नहीं आते हैं। व्हाट इज इंटरेस्टिंग फॉर अस टू नो एंड टू अंडरलाइन हियर कि जब भी सेंट्रलाइज्ड होता है पावर, तो जैसे जैसे सेंट्रलाइज होता है, जैसे आपने एक स्कूल का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि अगर डिसेंट्रलाइज्ड होगा, ज्यादा लोग फैसले लेने की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेंगे, तो वो प्रक्रिया बड़ा होता है, लेकिन डिसीजन की जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो कई ऐसे लोग हैं जो इस बात पे डिबेट करते हैं कि नहीं, जब सेंट्रलाइज्ड होता है कुछ ही लोगों के हाथ में डिसीजन लेने की क्षमता होती है, तो वो एफिशिएंट तो ज्यादा होते हैं लेकिन कई बार बहुत खतरनाक डिसीजन ले लिया जाता है। तो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट कि जब हम इसको क्लास में लेकर के जाते हैं या अपने आसपास भी, अपने घर में भी बात करते हैं, जब हम इस तरीके का न्यूज देखते हैं, तो हाउ डू वी रिएक्ट, हमारा हमारी हमारी क्या पोजिशनिंग होती है, क्योंकि दिस इज हाउ वी प्रिपेयर आवर सेल्फ टू सी द थिंग्स अराउंड, कि क्या जब हम ऐसा देखते हैं कि कहीं पे ओवरराइड कर दिया गया, या जो केंद्र ही, मतलब चाहे वो राज्य हो, केंद्र से यहाँ पे मतलब हुआ कि सत्ता का जो केंद्र अपने पावर को एक्सीड कर सकता है, वो जब करता है एंड एंड वी लाइक सपोर्ट इट और हमें लगता है कि हाँ ठीक है ऐसा ही होना चाहिए, या हमारे दिमाग में यह भी आता है कि इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में ऐसे कई समूह हैं जिनकी आवाज छूट जाती है, वो पीछे रह जाते हैं, उनकी कोई आवाज नहीं हो पाती है। इनफैक्ट स्कूल का उदाहरण भी बहुत शानदार था। तो हमारी क्या पोजिशनिंग होनी चाहिए इन मुद्दों को लेकर के, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एक स्ट्रक्चर तो है ही, और डेमोक्रेसी में शायद इसके बिना कल्पना भी नहीं किया जा सकता है एक एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का, लेकिन कैसे इसको हम और ज्यादा सुदृढ़ बनाएं बदलते समय के साथ। जैसे मैंने शुरुआत में ही रखा था कि 1945 में विश्व युद्ध की समाप्ति और फिर 1947 में भारत विभाजन से उपजे स्थिति की जो के समय जो संविधान बना और उस वक्त केंद्र की जो कल्पना की गई, वो कल्पना इस वक्त शायद बहुत अलग है, और इसकी वजह से शायद अब हमें फिर से सोचने की जरूरत है कि क्या उसी तरीके का स्ट्रॉन्ग सेंटर हमें आज भी चाहिए, या हमारे पास ज्यादा ऑटोनोमस, ज्यादा पावरफुल राज्य चाहिए। तो इस बारे में मेरे पास स्पीकर राइट्स बहुत कम है, तो आप में से मोनिका जी अगर आप बोलें, और बाकी जैसे आलोक एक बार आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें अगर यहाँ पे कुछ आए, देर इज सम प्रॉब्लम विद मतलब टेक्निकल इशूज स्पीकर राइट्स के लिए, अगर वो आएगा तो अगर मैं यहाँ से कुछ कर पाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ से मैं उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। जी मोनिका जी, तब तक आप कुछ इसमें ऐड कीजिए। सबको नमस्कार। थैंक यू मुरारी सर। मेरी अंडरस्टैंडिंग आपकी जैसी डीप तो नहीं है सर, लेकिन मैं कुछ समय से खुद से पूछ रही हूँ कि ये सत्ता है क्या? अरे वाह, खूबसूरत सवाल। क्या ये निर्णय लेने की क्षमता है कुछ लोगों के द्वारा बहुत सारे लोगों के लिए? क्या ये कोई अधिकार है जो जन्म से मिल जाता है? क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसे दूसरों से छीना जाता है? तो मतलब मुझे मुझे बहुत ऐसा लगता है कि इस
पहले तो ये सत्ता शब्द मुझे समझ में आना चाहिए, फिर जैसे मैंने अच्छा युवाल हाँ युवाल नोहारा को पढ़ा, उनको पढ़ते हाँ हुए हाँ मैंने पाया कि वो लिखते हैं कि ह्यूमंस क्रिएटेड इमेजिन्ड ऑर्डर्स एंड डिवाइस्ड स्क्रिप्ट्स। तो जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती गई, उसको नियंत्रित करने के लिए एक एक ढांचा, एक आकार देने के लिए, ये सत्ता की जो प्रक्रिया है, इसका जो विकास है, कल्चर का विकास है, वो होता चला गया। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये कल्चर और ये पावर का आपस में क्या लेना देना है, ये कैसे जुड़े हुए हैं। फिर इसमें कॉग्निटिव डिसोनेंस की क्या जगह है कि जहाँ पर बहुत सारे समूह हैं और हर समूह के अपने विचार हैं, उसकी अपनी बिलीफ सिस्टम्स हैं, और वो समूह आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जो सत्ताधारी हैं वो इन समूहों से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ये समूह उन्हें कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, किसकी बात सुनी जाती है और किसकी बात नहीं सुनी जाती है, क्या यहाँ कोई गलत सही की भी परिभाषा है, भले बुरे का भी कोई यहाँ जान पहचान होती है, कि बस ये एक नेटवर्क है जो अपने आप को बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीजों से अनभिज्ञ होने का या तो प्रदर्शन करता है या अनभिज्ञ रहता है और बस अपनी बात थोपता जाता है। तो ये बहुत सारी अच्छा चीजें हैं जो आपके, आप जब से ये कर रहे हैं सेशंस, तो तब से यही विचार मेरे मन में आ रहे हैं कि इसको कैसे आप डीमिस्टिफाई करेंगे, इसको सरल भाषा में अगर किसी को समझाना हो, जैसे मुझे इतना ज्ञान नहीं, तो हम कैसे इसे समझें और इसका हिस्सा कैसे बने, कैसे कैसे इसमें अपना योगदान कर पाए, जिससे खुद को भी कुछ संतुष्टि हो और ये भी लगे कि आसपास जो लोग हैं उन तक भी वो बात पहुंची और वो इस तरह से हो कि वो शेयरिंग हो, यू नो, वो आपस में सब एक सर्कल ऑफ शेयरिंग हो। वो ये नहीं है कि मैं कहीं ऊपर हूँ और आपको नीचे दे रही हूँ, या आप मुझसे ऊपर हैं और आप मुझे नीचे दे रहे हैं, ये क्या प्रक्रिया है कि हम नीचे दे रहे हैं या हम नीचे से ले रहे हैं, तो इस पर थोड़ी और रोशनी डालिए। धन्यवाद। थैंक यू मनीषा जी। ये ही बहुत अहम पहलू है जिसको आपने लाया, मतलब एक एक एवर एग्जिस्टिंग गैप है एकेडमिक नॉलेज, और ये सारे शब्द भी जो है, मतलब ये आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्द नहीं है, ये सत्ता कहें या हम संघवाद कहें, और जिस भाषा में हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो कभी कभी मुझे लगता है, कई जगह मैंने शेयर भी किया है, कि जिस तरीके से हम अपने बाकी प्रॉपर्टीज को, जैसे घर को चार दीवारियों से घेर लेते हैं, सोने को हम लॉकर में जाके रखाते हैं, बैंक की व्यवस्था की हुई है, तो मुझे लगता है कि शायद ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको भी लोगों ने अपना एक लैंग्वेज से कोडिफाई कर दिया है कि भाई हम सबको एंट्री नहीं देंगे यहाँ पर। और इसका एक तरीके से जिन लोगों ने इसको कोडिफाई कर लिया, और ये हर फील्ड में है, मेडिकल वालों ने अपना लैंग्वेज डेवलप कर लिया, लीगल सिस्टम से जुड़े हुए लोगों ने अपना लैंग्वेज डेवलप कर लिया, सोशल साइंटिस्टों ने अपना लैंग्वेज डेवलप कर लिया है, तो सबने अपना अपना बांट लिया है और एक तरीके से कब्जा जमाए बैठे हैं कि ये लैंग्वेज अगर आएगा तभी तुम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, तभी तुम इसको समझ सकते हो, अदरवाइज अपने दुनिया में रहो तुम। हम मतलब उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लॉक किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि जो एकेडमिशियंस रहे हैं वो एक जो जनरल मास है, आम जनता है, उससे एक तरीके से आइसोलेट हो गए, वो कट गए, और जो बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो उन्होंने क्रिएट किया है, जो उन्होंने पढ़ा है, जिसके बारे में उन्होंने लिखा है, वो उनके पास है, बट दे फेल टू कम्युनिकेट इट, और उस वजह से शायद बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारी खाइयां लोगों के बीच पैदा हो जाती है। अदरवाइज अगर इस नॉलेज को इस तरीके से कॉडिफाइड नहीं किया जाता, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता कि हम सब आम बोलचाल की भाषा में इसको समझ सकते, इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते, वही जो आपने बात कही कि ऊपर से नीचे वाली बात नहीं रहती, एवरीबॉडी इज कंट्रीब्यूटिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द नॉलेज, तो शायद इस तरीके का जो एक कोशिश है, जहां जब यहाँ हम इतने अलग अलग सब्जेक्ट डोमेन से सभी लोग हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो शायद उसको डीकंस्ट्रक्ट करने का, उसको तोड़ने का एक ये कोशिश है, मुझे ऐसा लगता है। और इसी में जी जी मैं थोड़ा सा, जो मेरी समझ बनी है, पता नहीं मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, मुझे नहीं मालूम,
मोनिका जी ने जैसा प्रश्न किया कि मैं एक प्रश्न है कि सत्ता है क्या, मुझे जो अपनी सोशल लाइफ में समझ आया, मतलब अपने घर में, जैसा कि हमारे हर एक घर का एक नियम होता है और हर घर के डिसीजंस लेने के लिए भी जैसे कि माना जाता है कि इन्होंने जो कह दिया वो फाइनल है, तो हमारे घर में जैसे कि होता है कि जब मेरी सिस्टर इन लॉ शादी होकर आई तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन किया कि भाभी यहाँ पर किसकी बात मानी जाती है, तो बड़ा सिंपल सा जो जवाब था मैंने दिया था, मैंने कहा ऐसा है बात ऐसा नहीं है कि जो एक ने बोल दी बड़े ने वही मानी जाएगी, यहाँ बात मतलब सबकी राय ली जाती है, जिसकी बात सही होती है वो मानी जाती है, कोई रूल नहीं है इस घर में। तो मुझे वो बात अभी भी याद आती है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक फेडरलिज्म ही है कि आपको पूरी फ्रीडम है, आपके सामने बात रखी जाती है, अगर बच्चे ने भी उसका डिसीजन वो कह रहा है कि ये नहीं ये ठीक है तो यहाँ माना जाता है वो, तो मुझे वो अच्छी लगती है चीज, बहुत तो शायद मैं कुछ ठीक जोड़ पाई। बहुत सुंदर, बहुत एक्चुअली आप जो जोर पाई हैं वही मकसद है इस सेशन का, कि हम कैसे, हम क्या ऐसा तरीका निकालें कि इन कॉन्सेप्ट्स को हम आम लोगों की जिंदगी से जोड़ करके देख पाए। तो ऐसा कई बार होता है, हो सकता है मुझे आता है, इससे इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उस लिंक को एस्टेब्लिश कर पाऊंगा, तो वो आना मेरे तक ही रह जाता है, वो बच्चों तक नहीं जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग बस वो कोशिश कर रहे हैं, तो उस कोशिश के तहत आपका जो ये उदाहरण था ये बहुत शानदार था, बहुत शानदार। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है ये होना चाहिए ऐसे फ्लेक्सिबल। हाँ। और जो साथी जुड़े हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि मैं स्पीकर राइट नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप अगर रिक्वेस्ट भेज कर देखें मुझे और शायद तब मैं दे पाऊँ, तो शायद मेरे स्क्रीन पे आ जाए कि मतलब आप स्पीकर राइट चाहते हैं, तो तब मैं दे पाऊँ। तो एक बार प्लीज कोशिश कीजिए आप में से जो भी स्पीकर राइट लेना चाहते हैं, अदरवाइज हमारे पास जिनके पास पहले से ही है 4-5 लोगों के पास वही हैं अभी जुड़े हुए। मीनाक्षी मैम आप तब तक कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगी? जी 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 नमस्कार सभी को। तो मुरारी जी स्पीकर राइट्स तो मैंने खुद ही ले लिए आपकी तरफ से, तो आज कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं बाकी साथियों से भी कहूंगी वो रिक्वेस्ट भेज कर देखें तो वो अपने आप स्पीकर राइट्स मिल रहे हैं। तो जब तक और साथी जुड़ते हैं विद स्पीकर राइट्स, मुरारी जी जो मुझे समझ में आया कि फेडरलिज्म क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ पावर शेयरिंग ओनली, कि जहां सत्ता सिर्फ एक के पास नहीं है और दो या लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सेम सिटीजंस पर जो है रूल करते हैं, और लेकिन सबकी अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन है। तो जैसा संतोष मैम ने कहा जब ये आप समझा रहे थे, तो मैं भी इसको घर से रिलेट करके देख रही थी कि घर में भी जैसे अलग अलग लेवल्स हैं, जैसे मेरे फादर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड और मैं और बच्चे हैं, तो ये तीन लेवल्स हैं, तो कुछ पावर मेरे फादर इन लॉ के पास है, कुछ जो घर के डोमेन्स के बारे में वो उनका उनकी राय ली जाती है, कुछ डिसीजंस मेरे हस्बैंड लेते हैं, कुछ डिसीजंस किचन से रिलेटेड या घर में कुछ सामान आना है तो वो मेरा ज्यूरिसडिक्शन है, वो मेरा डोमेन है, तो वहां मेरी सुनी जाती है। बच्चों को इंटरेस्ट की कोई चीज आनी है, कोई गेम्स आने हैं, तो वो दे हैव द राइट कि चॉइस विल बी देयर। तो मैं मेरे दिमाग में वैसे ही विजुअलाइज कर रही थी कि ये भी एक फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म है जो घर में चल रहा है, पावर शेयरिंग, कि एक ही पर्सन नहीं है जिसके पास पूरा पावर है, तो मैं इसको इस तरह से देख पाई। थैंक यू। अरे बहुत इंटरेस्टिंग, कितना शानदार उदाहरण दिया आपने संतोष मैम की ही बातों को आगे बढ़ाते हुए। एंड दिस इज द ब्यूटी आई थिंक ऑफ दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। मैं इस तरीके से नहीं सोच पा रहा था। डेफिनेटली आप हम चूंकि पॉलिटिकल साइंस में इसको सरकारों तक ही देख पाते हैं कि सत्ता का दो से अधिक केंद्र, दो या दो से अधिक केंद्र, तो यहाँ पे भी तो सत्ता ही है, फैसले लेने की जो ताकत होती है वो सत्ता ही होता है। तो किसी घर के अंदर अगर वो अलग अलग लोगों के बीच बटा हुआ है, तो एब्सोल्युटली दिस फॉल्स अंडर द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म, दिस इज व्हाट सोशल साइंस फॉर सोशल लाइफ इज। तो बहुत शानदार उदाहरण आपने शेयर किया। मैं
आप में से कोई भी अगर और बोलना चाहते हैं तो इसमें अपने हिसाब से आप उसको भेज के देखिए। मेरे स्क्रीन पे अभी तक कोई ऐसा रिक्वेस्ट आया नहीं है। बाकी हम लोग थोड़ा सा इसमें और कुछ कुछ चीजों को ऐड करेंगे और फिर उसके बाद हम कि एक जो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा था कि जो बच्चों को से जब हम इस बारे में बात करते हैं तो उनके लिए बहुत टेक्निकल हो जाता है ये सारे टर्म्स, ये सारे विषय, और उनको लगता है कि दिस इज समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू देयर डे टू डे लाइफ, उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको याद करना है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम इस बात के लिए कोशिश करें कि कैसे ऐसा क्या किया, जो अभी उदाहरण आप तीनों ने ही, लाइक मोनिका मैम ने, संतोष मैम ने और मीनाक्षी मैम ने लाया, कि इस तरीके का उदाहरण जब हम उनको देंगे और तभी उसमें से सवाल भी उठाएं कि उसी घर के अंदर, जैसे अभी एग्जाम्पल आप दे रही थी मीनाक्षी मैम, कि उसी घर के अंदर अगर सारे फैसले कोई एक व्यक्ति ही ले रहा है, या फैसलों की क्वालिटी, जो बड़े फैसले हैं वो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ले रहा है, और जो छोटे मोटे फैसले हैं जिसका जिसका बहुत असर लोग सदस्यों के लाइफ पे शायद नहीं होने वाला है। अब उदाहरण के लिए कि दुकान से सामान लाने वाला फैसला मतलब कोई ले रहा है, लेकिन जमीन कहाँ खरीदनी है, घर कहाँ खरीदना है, शादी कहाँ पे करनी है, जो बड़े फैसले हैं जिसका पूरे जीवन पर शायद असर रहेगा, ये फैसले शायद कोई एक ही व्यक्ति ले रहा है। तो जब हम फेडरलिज्म को भी सवालों के नजर से देखते हैं तो यही है कि क्या बड़े फैसलों में भी सभी की भागीदारी होनी चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन जब हम एक जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हमारे प्रधानमंत्री करते रहते हैं, सो दिस इज व्हाट आई थिंक कि क्या घर के जो बड़े फैसले भी होते हैं क्या उसमें भी सबकी भागीदारी होनी चाहिए या नहीं, हमने जिसको डिजिग्नेट किया हुआ है वही एलिजिबल है सारे फैसले लेते रहने के लिए, और अगर ऐसा होता है तो घर के अंदर, अगर हम घर का ही उदाहरण ले रहे हैं, तो कैसे उसका माहौल बदलेगा अगर हर हर व्यक्ति को लगेगा कि मेरा भी एक स्टेक है, मैं भी बड़े फैसलों में हिस्सा ले सकता हूँ। तो आई थिंक बहुत शानदार एक कॉन्टेक्स्ट और एग्जाम्पल आप लोगों ने दिया, और इसी सवाल से हम इसको थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग इसमें और कुछ ऐड करना चाहें? जी मीनाक्षी मैम, संतोष मैम, गुरविंदर जी, मोनिका मैम। सर इसी में यही ऐड किया जा सकता है कि घर अगर घर का भी कोई बड़ा फैसला है, राय सबकी लेनी चाहिए, राय सबकी सुननी चाहिए। अब क्योंकि विवेक बड़ों का थोड़ा सा मैं यह मानूंगी कि यहाँ ज्यादा होता है कुछ फैसलों, अहम फैसलों को लेकर, तो वो अगर जो छोटों की राय है तो उनको वो जस्टिफाई कर पाए कि यहाँ आप ये जो कह रहे हो तो यहाँ ये करना ठीक नहीं होगा। अगर जस्टिफिकेशन मिल जाएगा तो बड़े फैसले बड़ों को लेने में फिर कोई मुश्किलें नहीं आएंगी। हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। आप मीनाक्षी जी कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं भी संतोष जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि राय तो सभी की, वेटेज सभी के बात का होना चाहिए, लेकिन फिर जो सीनियर मोस्ट है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो एक तो अल्टीमेट सीनियर पर्सन होता ही है घर में, जो हेड ऑफ द फैमिली कहलाया जाता है, तो अल्टीमेट पावर उनके पास। लेकिन राय सबकी और सबकी मिलीजुली सहमति से ही बड़े फैसले भी घर के लिए जाएं, तो मुझे लगता है कि ट्रू डेमोक्रेसी घर में भी तभी नजर आएगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो मैं क्या समझ पा रहा हूँ आप लोगों की बातों से कि फेडरल स्ट्रक्चर को जितना सही मायने में, और सही मायना यही है कि कैसे फैसले लेने की जो प्रक्रिया है उसमें सबको शामिल किया जाए, उसको जितना ज्यादा मतलब हम प्रैक्टिस में लाएंगे वो ट्रू डेमोक्रेसी तभी होगा। अगर वो सिर्फ पेपर पे रह जाएगा और यूनिलेटरल फैसले होते रहेंगे तो हम डेमोक्रेसी को शायद मजबूत नहीं बना पाएंगे, है ना। बीच में मैं अब एक बार फिर से इस बात पे, मतलब जो हमारे किताब का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको भी थोड़ा थोड़ा ले आते हैं, ताकि जो हमारे सोशल साइंस के टीचर हैं जब वो पढ़ाने जाएं तो दे फाइंड ए कॉन्टेक्स्ट इन दिस, कि हमारे यहाँ जो इसको प्रैक्टिस करने की व्यवस्था की गई कि कैसे हमारे देश में फेडरलिज्म प्रैक्टिस में आएगा, तो उसके एक बात की चर्चा गोविंदर मैम ने ऑलरेडी किया कि एक तो लिस्ट सिस्टम बनाया गया कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बना करके काम को बांट दिया गया, कि कुछ काम उन्होंने ऑलरेडी बताया कि सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट देखेगी,
कुछ काम जो है वो स्टेट की गवर्नमेंट, और कुछ काम जो है वो दोनों ही सेंटर और स्टेट मिलकर के उस पर डिसीजन लिया करेगी। और इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर उनका कोई डिसएग्रीमेंट रहता है तो ऐसे मामले में फिर जो है सेंटर की बातों को ही तरजीह दिया जाएगा, उन्हीं के बातों को माना जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी व्यवस्था की गई एकोमोडेट करने का, या फेडरल प्रैक्टिसेस का, उसको कहा जाता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना। तो ये एक बहुत जबरदस्त संघर्ष रहा। शुरुआत में ही ऐसा नहीं था कि स्वतंत्रता के साथ ही हमने हमारे यहाँ भाषा के आधार पर राज्यों को बना दिया गया, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर के प्रैक्टिस के तहत ही इसको देखा जाता है कि बहुत सारे राज्यों का पुनर्गठन किया गया। मेरे ख्याल से 1956 में, सम ऑफ यू माइट करेक्ट मी, या आप चेक कर सकते हैं, अब राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब बनाया गया, और उन्होंने रिकमेंड किया कि ठीक है भाषा के आधार पर आप बना सकते हैं। और यह मामला जो है वो आंध्र प्रदेश से काफी जोर पकड़ा, जब वहां पे श्री रामलु पोट्टू नाम से एक व्यक्ति थे जो, इफ आई एम प्रोनंसिएटिंग इट करेक्टली, वो आंदोलन करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वहां पे बहुत जबरदस्त डिमांड हुआ कि अब हमें लैंग्वेज के आधार पे राज्य चाहिए ही। तो फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बना, और उसके बाद से लैंग्वेज के आधार पे राज्यों का निर्माण होने की प्रक्रिया वहां से शुरू हो गई, जो काफी दिनों तक, मतलब कई सारे राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया गया। तो एक तरीके से यह भी माना जाता है कि जो लैंग्वेज मतलब लिंग्विस्टिक स्टेट्स है, वो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है उसका उदाहरण है। जो लैंग्वेज पॉलिसी है हमारा, जैसे हम लोग स्कूल, अब देखिए जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था तो उसपे कितनी जबरदस्त बहस हुई थी लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के। तो थ्री लैंग्वेज पॉलिसी के जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, हम कोई एक भाषा नहीं थोपेंगे, तीन भाषा जिसमें हम क्षेत्रीय भाषाओं को भी अकोमोडेट करते हैं, या संविधान के 7वें या 8वें, 8वें अनुसूची में जो भाषाओं को शामिल किया गया है, 22 भाषाओं को, तो ये सब भी फेडरल प्रैक्टिसेस के अंदर ही है। इट मीन्स जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के उस 8वीं अनुसूची में उसको शामिल करते हैं, इट मीन्स वी रिकॉग्नाइज दैट द पीपल हु स्पीक दिस लैंग्वेज आर इम्पोर्टेंट एंड दे हैव कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तो ये जो है एक एक तरीका, हम इसको भी मानते हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर कैसे हमारे देश में काम कर रहा है, तो उसका एक ये उदाहरण है। और सेंटर स्टेट रिलेशन को का जो मतलब है कि कई तरीके से दोनों के बीच में इतने अंतर संबंध है, चाहे वो फिस्कल रिलेशन हो, कई सारे ऐसे टैक्सेज होते हैं जो स्टेट कलेक्ट करके सेंटर को देता है, कई टैक्सेज होता है जो स्टेट सेंटर कलेक्ट करके स्टेट को दे देता है। इसके अलावा जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, ऑफिसर सेंटर हायर करता है और स्टेट को दे देता है, और वो ऑफिसर्स काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। और भी मतलब, अब जब जैसे देखिए कि राज्यों में गवर्नर को अपॉइंट करता है सेंटर, जो कि वहां के गवर्नमेंट का हेड होता है, मतलब कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनली तो गवर्नर ही हेड होते हैं किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट का। तो ये तमाम तरीके अपनाए गए हैं जिसको देख करके लगता है कि वी हैव अ वेल स्टेब्लिश, डेफिनेटली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें तो एक वेल स्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। बट द क्वेश्चन इज कि कई बार जब आप देखेंगे कि केंद्र में जो सरकारें होती है जनरली वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए राज्य की सरकारों को गिरा देती है, वो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और ये किसी एक सरकार की बात नहीं है, मतलब एक एक तरीके से देखें तो मतलब होता आया है, वी हैव अ ट्रेडिशन, और वो खत्म नहीं हुआ है। तो ये सब एक तरीके से अटैक है उसी फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर। और हाल के दिनों में यह जो मतलब मामला है अभी भी अनसुलझा है। देर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स इन दिस, कि एक कहता है कि नहीं, हमें ज्यादा से ज्यादा पावर राज्यों के हाथों में देना चाहिए ताकि जो रीजनल एस्पिरेशंस है उसको और ज्यादा आगे आने का मौका मिला, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि नहीं, हमें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूनियन चाहिए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए। और एक चीज जो लोग कंफ्यूज होते हैं, जो मुझे लगता है, स्ट्रॉन्ग यूनियन गवर्नमेंट का मतलब स्ट्रॉन्ग नेशन नहीं होता है। लोग दोनों चीजों को एक साथ मिला देते हैं, मतलब सिनोनिम्स की तरह देखने लगते हैं। जो आर्ग्यू करते हैं कि स्ट्रॉन्ग रीजनल या प्रोविंसेस होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग रीजन्स होने चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग नेशन के लिए ही ये दलील देते हैं
कि जब देश का अलग अलग समूह अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका मिलेगा उसको, तो देश के अंदर ज्यादा एक तरीके से सामंजस्य रहेगा, पीस रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो इससे ज्यादा बेहतरीन बात किसी स्ट्रॉन्ग नेशन के लिए क्या हो सकता है कि लोग आपस में मिलकर के एक मतलब पीस के साथ वहां पे रह रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, मतलब हम जब आप आम लोगों से बातचीत करेंगे तो ये मिसअंडरस्टूड रहता है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग नेशन के साथ सिनोनिम्स की तरह देखा जाने लगता है, जबकि जो स्ट्रॉन्ग रीजनल गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, दे आर ऑल्सो लाइक यू नो एडवोकेटिंग फॉर द स्ट्रॉन्ग नेशन ओनली। तो नाउ इट्स अपॉन अस, यू नो द पीपल, द एजुकेटर, दैट हाउ वी सी ए स्ट्रॉन्ग नेशन, व्हाट इज आवर इमेजिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर। तो हम इसको मतलब हम चूंकि आप देखेंगे कि अलग अलग टाइम पे भी जब हम बात करते हैं तो इन्हीं मुद्दों को हम अलग अलग तरीके से छूने की कोशिश करते हैं। कभी हम नेशन वाले कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे तो वहां पे भी इसको हम देखेंगे। इस मुद्दे पे जो अभी मैंने बात रखी है कि मतलब ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट होता है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग नेशन, इस पे अगर आप में से कोई कुछ ऐड करना चाहते हो, या स्ट्रॉन्ग स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी स्ट्रॉन्ग नेशन हो सकता है। इसमें लिख करके ऑप्शन नहीं रहता है कंट्रीब्यूट करने का, आई थिंक स्पेस का मतलब है बातचीत करना ही शायद। जी मोनिका मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी जी सर, बहुत अच्छी जी डिस्कशन हो रही है और मुझे भी बहुत कुछ समझ आ रहा है, लेकिन साथ ही ये भी लग रहा है कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये डेमोक्रेसी में एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या ये मेरी समझ ठीक है सर? हाँ, ओके, तो सर इसमें क्या है बिल्कुल कि हाँ जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ सत्ता बढ़ जाती है और एक ही के पास सब कुछ केंद्रित नहीं रहता है, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हाँ हैं जिसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। अब सर हाँ कई बार मतलब जैसे अब इस ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि परिवार में भी सबकी राय लेकर किसी बुजुर्ग ने निर्णय लिया, या कई बार ऐसा होता है कि परिवार के अंदर कोई बुजुर्ग ना भी हो लेकिन किसी और को समझदार मान के उसकी बात को भी सुन लिया जाता है या उसको निर्णय लेने दिया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर पावर शेयरिंग का एक फेडरलिज्म है और कई जगह ये काम करता है, कई जगह ये काम नहीं करता है। अब जैसे अमेरिका में भी फेडरल स्ट्रक्चर है सर, लेकिन अभी तक वहां गन कंट्रोल पे कोई भी सहमति नहीं बन पाई। मतलब एक इतना जबरदस्त पावर स्ट्रक्चर और लीडिंग डेमोक्रेसी भी आज तक अपने गन कंट्रोल के ऊपर कुछ नहीं कर पाई है। आए दिन वहां शूटिंग्स होती हैं। सो जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से कारगर है। जैसे हर स्ट्रक्चर के कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो इसके भी चैलेंजेस हैं। इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जुडिशरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मुझे ऐसा लगता है, इसमें मीडिया जिसको फोर्थ एब्सोल्युट पिलर कहते हैं उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, आम आदमी को एक वॉइस देना, एक गवर्नमेंट के सिलेक्ट हो जाने के बाद भी उसको आवाज उसकी आवाज को पहुंचाना हर जगह, जैसे हमने पिछले सालों में देखा है, कुछ सालों में ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये इसमें ये जो इस तरह के मसले अनसुलझे रह जाते हैं उनके लिए क्या जगह है। और दूसरा सा मैंने पढ़ा है शैडो गवर्नमेंट्स के बारे में, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ब्लैक इकोनॉमीज हैं जो डीस्टेबलाइज कर देती है किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी डेमोक्रेसी को, किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर की वैल्यू नहीं रह जाती है और वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनने नहीं देती हैं। क्योंकि ऑन द सरफेस तो ये सब हो रहा है, लेकिन अंडर द सरफेस जो बातें हो रही हैं, जो जिस तरह से चीजें पावर ग्रुप्स के द्वारा मैनिपुलेट की जा रही हैं और वो बहुत हावी हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी इम्पोर्टेंस कुछ कम है, खासकर आज की इस बढ़ती हुई ग्लोबलाइजेशन में। तो ये सब चीजें एक फेडरल स्ट्रक्चर में कैसे रिजॉल्व होती हैं सर? अमेजिंग। मुझे लगता है जो टेक्निकल फ्लॉज आज मेरे सामने है उसका जो सबसे बेहतरीन एडवांटेज हुआ कि मुझे नॉन सोशल साइंस टीचर को सुनने का मौका मिला। और आई मीन दिस इज अमेजिंग, इतना मजा आया आपको सुन के अभी, एंड सच अ वैलिड पॉइंट। आप एक अलग आयाम पे इसको लेकर के गई हैं। यू आर सो ट्रू। आपने शेडो क्या शेडो गवर्नमेंट की बात की जी है ना, सर, आई थिंक। हाँ, एक और शब्द यूज किया जाता है डीप स्टेट, मिलता जुलता ही है आपने जो कहा है जी उससे। तो
जिसमें जो चीजें दिखती है उससे कई गुना ऐसे फैक्टर्स जो दिखते नहीं है वो काम करते रहते हैं डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो दिस इज आई मीन रियली वेरी इंटरेस्टिंग कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन, सरकार के काम करने के तरीके और फेडरलिज्म की जो बातें किताब में दी गई है उस पर बात कर रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड शेडो गवर्नमेंट या डीप स्टेट जैसे फैक्टर्स जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल है, जो आपने कहा उसमें कोई दो राय नहीं है, जो एक तरीके से हर चीज को साइडलाइन कर देता है। ऐसा देखने में लग सकता है कि हमारा पार्लियामेंट काम करता है और फैसला लेता है, लेकिन असली फैसला वो डीप स्टेट के एक्टर्स लेते रहते हैं या शेडो गवर्नमेंट के जो एक्टर्स हैं वो लेते रहते हैं। तो दिस इज समथिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम अ टीचर हु इज नॉट फ्रॉम अ सोशल साइंस बैकग्राउंड, दैट इज इवन मोर एक्सिलरेटिंग आई विल से। तो एकदम मजा आ गया। और जिस तरीके का उदाहरण संतोष मैम और मीनाक्षी मैम, आप में से एक मैथ की भी टीचर है, संतोष मैम आप मैथ की टीचर है ना? जी सर। हाँ राइट। और मीनाक्षी मैम आप भी मैथ में ही हैं शायद? सर मेरा साइंस है और अब आप समझ लीजिए कि मैं इंग्लिश में शिफ्ट अच्छा हो अच्छा अच्छा तो गई। मैथ साइंस, हाँ, इंटरेस्टिंग, साइंस मैथ साइंस इंग्लिश सोशल साइंस, अमेजिंग। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई फील कि दिस इज द रियल सोशल साइंस फॉर सोशल लाइफ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन, राइट? आई मीन या सो एब्सोल्युटली मैं अराउंड 1 आवर होने वाला है, और आई थिंक देयर कैन नॉट बी एनीथिंग बेटर देन कि जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो टेकिंग इट टू अ न्यू लेवल, जो कि मोनिका जी ने अपने बातों से रखा है कि ठीक है, एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसके अंदर तो हम इन चीजों की बात कर रहे हैं, बट देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जो हमारे इस प्रोविजंस को कितना काम करने दे रहे हैं, दैट वी रियली डोंट नो, और उसकी क्या ताकत है। एंड एज अ सिटीजन वी ऑल नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस, वी ऑल नीड टू इन्वेस्टिगेट अबाउट दिस, वी ऑल नीड टू नो मोर अबाउट दिस। तो डेफिनेटली आई मीन आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कुछ फिल्में, जैसे कि जो सोशल डायलेमा अभी फिल्म आया, वो इस संबंध में आपको बहुत मदद करेगा कि कैसे डिजिटल स्पेस का इस्तेमाल करके दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए कुछ मुट्ठी भर लोग, 40 से 50 लोग, दुनिया के किसी भी कोने की सरकारों को ऊपर नीचे कर सकती है, उनके तमाम फैसलों को बदलवा सकती है, किसी तरह के फैसलों को लाद सकती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको आप लोग कभी देखिए। तो मतलब इसके अलावा एक एकदम एमर्जिंग डोमेन है, तो जिसमें दो लोगों का, एक का जिक्र तो मनिका जी ने किया ऑलरेडी, युवाल हरारी को सुनते हुए हम काफी नए अप्रोच के साथ इन तमाम चीजों को देख सकते हैं, वो लगातार लिखते और बोलते रहते हैं, उनको यूट्यूब पे सुना जा सकता है। और एक अभी रिसेंटली मैंने कई बार उसका भी जिक्र किया है, सर्विलेंस कैपिटलिज्म करके किताब आई है, मैं मोनिका जी ने कहा, मुझे लगता है कि उसी के साथ इसको खत्म किया जाना चाहिए कि किस तरीके से जो अदर फैक्टर्स हैं वो काम कर रही है, और उस संदर्भ में हम कैसे फेडरलिज्म को देखें। और साथ में जो मीनाक्षी जी और संतोष जी ने घर का एग्जाम्पल देकर के बताया वो कितना शानदार है, क्लासरूम में बच्चों को फेडरलिज्म के आइडियाज को जब हम जोड़ करके बताने की कोशिश करें। एंड एट द सेम टाइम आई ऑलवेज आई मीन अंडरलाइन कि इट इज नॉट इजी कि हम ये उदाहरण देंगे और बच्चों को फटाफट समझ में आ जाएगा। दिस देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटी, जैसे कई सारे शब्द हैं जैसे ज्यूरिडिक्शन, बहुत मुश्किल होता है कई बार बच्चों को समझने में, लेकिन हाँ उदाहरण देकर के समझाया जा सकता है। और जैसे जी जी क्लासरूम में भी एक्टिविटी कराते हैं तो हम अपने घर में भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे जब हमने बात की थी तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम अपने कक्षा में बच्चों से कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाएं कि जिसमें कक्षा के रूल्स लिखे जाएं। ऐसे ही घर में हम बच्चों को जो है रूल्स लिखवाएं तो एक घर का एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो फेडरलिज्म का क्लियर करने के लिए अगर हम अपने लेवल पर जो हमें जिन जिन लोगों को इसकी थोड़ी बहुत जानकारी है, तो जैसे अभी मीनाक्षी मैम ने भी संतोष मैम ने भी एग्जाम्पल दिए थे, तो बच्चों में भी थोड़ा सा ये अथॉरिटी शिप आए कि वो अथॉरिटी वो निर्णय ले पाए।
तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अपने घर के भी कुछ ऐसे रूल्स जो हैं आपस में मिलकर कुछ ऐसे डिसीजन डिसाइड कर सकते हैं कि ये बच्चों के लेवल तक बच्चे अपने आप डिसीजन ले सकते हैं उसमें छोटे मोटे, उसके बाद जो है वो मदर के सपोर्ट से ले सकते हैं, उसके बाद जो है फिर फादर या फिर जो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है उनके सपोर्ट से। तो इससे हम घर पे भी एक संघवाद का रूप दे सकते हैं अगर हम और अच्छे से इसको प्रैक्टिकल लाइफ में समझना चाहें और अपने जीवन में उतारना चाहें। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, थैंक यू गुरविंदर जी। बिल्कुल हम एक्चुअली जब भी किसी कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं तो एक तो ये बहुत कारगर तरीका है ही कि इमीडिएट लाइफ से बच्चों का जो उनके जिससे उनका इंटरेक्शन होता है घर से अपने स्कूल से वहां से अगर हम उदाहरण को लेते हैं तो देन दे आर एबल टू कनेक्ट इट फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो बिल्कुल सही आपने कहा और बहुत शानदार डिस्कशन रहा। करीब एक घंटे से आप सभी लोगों ने अपना समय दिया, आप में से कई लोग इसमें और ऐड करना चाहते होंगे, कंट्रीब्यूट करना चाहते होंगे, टेक्निकल फ्लॉज की वजह से वो स्पीकर राइट में नहीं दे पा रहा हूँ किसी को भी आज। तो थैंक यू आप सभी का। नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलते हैं, इसी टॉपिक का एक एक्सटेंशन रहेगा। एंड इट वॉज द फोर्थ एपिसोड एंड इट वॉज रियली एपिसोड ऑफ सोशल साइंस फॉर सोशल लाइफ। जिस तरीके से नॉन सोशल साइंस टीचर्स ने आकर के इसमें जबरदस्त तरीके से इस कन्वर्सेशन को एक अलग आयाम दिया है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इसका लिंक मैं जो रिकॉर्डिंग का होगा वो भी जल्दी ही साझा करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। हम लोग आज इसको यहीं खत्म करते हैं फिर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।